हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, पोहे से आपने नाश्ते तो बहुत ही बनाए होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ उसी पोहे से एक बहुत ही टेस्टी एंड यमी गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक, और हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मूंगफली के दाने की। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक पैन, और पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप मूंगफली के दाने, और हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। ना ही हम यहाँ पर घी का यूज़ करने वाले हैं, ना ही किसी ऑयल का। और आज के ये मोदक की रेसिपी मैं यहाँ पर विदाउट घी या विदाउट ऑयल बनाने वाली हूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिए, आई होप आपको ये ज़रूर ही अच्छी लगने वाली है। तो इसे हम इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि मूंगफली के दाने चटक ना जाए। और अब ये जो है फाइनल रोस्ट हो चुका है। तो उसी पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप पोहा, यानी कि चूरा, नॉर्मल चूरा जो होता है मैंने उसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसे भी हम क्रिस्प कर लेंगे जब तक कि ये हल्के गोल्डन नहीं हो जाते, तब तक हमें इन्हें भूनते रहना है मीडियम फ्लेम पर। काफ़ी इसे डार्क भी आपको नहीं करना है। और जो हमारा चूरा था वो भी भुन चुका है, और साथ ही मैंने 1/2 कप यहाँ पे लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप यहाँ पर नारियल भी ले सकते हैं जो घर में होती है ना, बिल्कुल आप उसे यहाँ पर घिस करके और उसका फाइन पाउडर बना करके उसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, इसकी अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर, और जो हमने पोहा फ्राई किया था उसे मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब उसी ग्राइंडर में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मूंगफली के दाने। आप चाहें तो इसके छिलके को हटा सकते हैं, इजीली हट जाएंगे, बट मैंने इसे छिलके के साथ ही इसे ग्राइंड कर लिया और इसका भी पाउडर तैयार कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो मैंने यहाँ पर नारियल या डेसिकेटेड कोकोनट को रेडी किया था ना भून के, उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और 1 कप मैंने लिया हुआ है गुड़, और गुड़ को भी मैंने यहाँ पर ऐड करके उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब सभी मिश्रण जो है वो रेडी हो चुके हैं, इसको भी मैंने डाल दिया। साथ ही 1/2 कप मैं हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और सभी को डाल करके मैं यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ ताकि इन चीज़ें ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अभी जो है हमारे मोदक अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे थे, और अगर आपके मोदक अच्छे से बाइंड हो रहे तो आप इसमें मिल्क मत ऐड करें। अभी मेरा मोदक जो है बाइंड नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच मिल्क का यूज़ किया हुआ है। और अब देखिए ये कम्प्लीटली बाइंडिंग हो रही है इसकी। तो बस हम इस स्टेज पर दूध डालना बंद कर देंगे, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से बंध रहा है। तो चलिए फटाफट से अब हम मोदक बनाते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स या फिर बगैर ड्राई फ्रूट्स की भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी होती है। बस टूटी फ्रूटी से इसका देखने में टेक्स्चर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। और हमने लिया है यहाँ पर एक मोदक मोल्ड, और मोदक मोल्ड में मैं इस तरीके से जो हमने स्टफिंग बनाई हुई है उसे स्टफ करेंगे, और उसके बाद इसे जिस तरीके से बस इस तरीके से हमें इसे प्रेस कर देना है, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हटा देना है। और हमारे एकदम डिलीशियस यमी छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोदक बन करके हो चुके हैं रेडी। तो ये देखिए देखने में भी इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा हो उसे हटा दीजिए या फिर हल्का सा प्रेस कर दीजिए, बस ये एकदम शेप में आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल कितने प्यारे से मोदक हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से मैं सभी मोदकों को तैयार कर लूँगी और 1 बाय 1, और उसके बाद हम यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बिना मोल्ड के मोदक को किस तरीके से तैयार करें। आप इस तरीके से भी जैसे मैंने पहले बनाया, और आप इस तरीके से भी इसे थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग डाल करके एक और मोदक मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि आप बिना मोल्ड के मोदक किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके एक बॉल तैयार करेंगे, और जैसे ही आपका गोल बॉल तैयार हो जाए इस तरीके से हम लेंगे अपने हथेली पे और इसे टर्न टर्न राउंड राउंड करते करते हम इस तरीके से इसे शेप दे देंगे। और ये देखिए एकदम मोदक वाला शेप हमारा तैयार हो चुका है, आप चाहें तो इस तरीके से ही बना सकते हो, और एक टूथपिक की हेल्प से लेकर के इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मोदक आता है ना सांचे में, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा मोदक जो है वो रेडी हो जाएगा फटाफट से। तो बिना मोल्ड के भी आप इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे मोदक जो हैं इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हमारे यमी से मोदक बन कर के तैयार हो चुके हैं। तो इसे ट्राई करें एंड मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और भी मोस्ट यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ इसका टेक्सचर जो है कितना स्मूद आया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।